मेरे माता पिता परमेश्वर की सेवा नाइजीरिया में कर रहे थे। उन्हें परमेश्वर से बहुत प्यार था, पर मुझे वो सब अच्छा नहीं लगता था। मैं चर्च में नहीं जाया करता था। तब मेरी उम्र 18 से 20 साल की होगी। मैं दारू पीता और सिगरेट पीता था। एक दिन जब मैं कमरे में बैठा सिगरेट पी रहा था, मैं उस समय पूरे नशे में था। मुझे उस समय थोड़ी सी नींद आई तो मैं एक सपने में था। मैं देख रहा था कि मैं एक एयरप्लेन में हूँ जो नाइजीरिया में उड़ान भर रहा है। उस जहाज़ में मेरे माता पिता और भाई बहन भी थे। तभी वो जहाज़ क्रैश हो गया। जहाज़ के गिरने से चारों तरफ आग लग गई और मैं देख रहा था कि वहाँ मेरे माता पिता और भाई बहन नहीं थे, केवल मैं और बाकी लोग थे और सब लोग चिल्ला रहे थे। तब मुझे भी अपने शरीर पर आग महसूस होने लगी। तब मुझे महसूस हुआ कि मैं नरक में हूँ। वहाँ बहुत गर्मी थी। तभी मैं सपने से जाग उठा और मैंने सिगरेट छोड़ दी। ये सब मेरी माता पिता की वजह से हुआ, क्योंकि वो प्रार्थना करते थे। उस सपने के कुछ दिनों बाद मेरे माता पिता मुझे चर्च में ले गए, जहाँ पास्टर ने प्रचार किया। मुझे प्रचार परमेश्वर का प्यार महसूस हुआ। प्रचार के ख़त्म होते ही मैं बाहर की तरफ दौड़ा और पहाड़ के ऊपर चढ़ गया, क्योंकि पहाड़ उस चर्च के पास थे। मैंने वहाँ पहाड़ पर परमेश्वर को महसूस किया। मैं रोने लगा। मैंने कहा, परमेश्वर मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरे उद्धारकर्ता बन जाइए। मैंने कहा, मुझे बोरिंग ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे एक्साइटेड लाइफ चाहिए। आज मेरे पास वही है। तब पहाड़ से नीचे आने के बाद मेरे माता पिता भी मुझे पहचान न सके कि मैं इतना बदल चुका था, क्योंकि मैं तो नशेड़ी था। उसके बाद मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज के पहले साल के पहले हफ्ते में मुझे कॉलेज में एक मसीह समूह मिला। मैंने कहा, तुम में परमेश्वर के लिए मुझसे भी ज़्यादा प्यार है। उन्होंने कहा, पवित्र आत्मा के कारण। तो मैं 9 महीने तक 3 घंटे हर रोज़ प्रार्थना करता रहा। तब मैं एक चर्च में मीटिंग अटेंड कर रहा था। वहाँ पवित्र आत्मा से मैं भर गया और मेरे मुंह से गैर भाषा निकलने लगी। तब मैं पहली बार था भरा था। दूसरी बार तब भरा था जब मसीह लोगों का दल चर्च में था। वहाँ 400 लोग थे। पास्टर ने जब हाथ रखा, सभी गिर गए। जब मुझ पर हाथ रखा तो मेरे अंदर बिजली दौड़ गई। तब मैं कह रहा था, परमेश्वर रोको, और वो बढ़ती जा रही थी। तब मैं सोच रहा था, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई और बच्चे भी नहीं हुए। मैं इस तरह परमेश्वर के प्यार को महसूस किया। मैंने बाइबल में से प्रकाशन ग्रहण किया। एक बार मैं ऑस्ट्रेलिया में था, अपनी पत्नी के साथ जा रहा था। बहुत पास्टर और बच्चे इकट्ठे थे, लगभग 3,000 की संख्या थी। मैं हवाई जहाज़ के सफ़र के कारण थका हुआ था, पर मैंने पास्टर से सुना था कि ऑस्ट्रेलिया में 9 सालों से बारिश नहीं पड़ी। तभी रात को पवित्र आत्मा ने कहा, बाहर प्रचार करते हुए कहना कि परमेश्वर बाढ़ को लेकर आएगा। पहले तो मैंने सोचा कि मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि लोग हंसेंगे, क्योंकि परमेश्वर सीरियस था, इसलिए मैंने वो बात कही। तब पास्टर कह रहे थे, क्या हवा में बातें कर रहे हो, कुछ नहीं होगा। तभी पास्टर के फ्राइडे शाम 6 बजे से 1 महीने तक लगातार बारिश होती रही। ऑस्ट्रेलिया के उस इलाके में मानो बाढ़ आ गई हो, क्योंकि टीवी और न्यूज़पेपर में लोग यही खबर दे रहे थे। इसी तरह मैं एक और देश में गया, प्रचार करने लगा। वहाँ 300 लोग थे। तब मैंने प्रचार करने के बाद लोगों को हीलिंग देना शुरू किया परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। तभी एक औरत जो 40 साल से गूंगी थी और बहरी थी, अपने बेटी और अपनी माँ के साथ आई थी। मैंने उस पर 7 बार हाथ रखा था, कुछ नहीं हुआ और लोग मेरी तरफ देख रहे थे। आखिरी बार मैंने उस पर हाथ रखा और औरत के कान खुल गए। जब मैंने उसके कानों में उंगली डाली, फिर मैंने दूसरे कान में उंगली डाली तो वो भी खुल गई, पर उसका मुंह नहीं खुला था, वो बोल नहीं पा रही थी। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि उसकी जीभ पर थूको। मैंने कहा, मैं नहीं कर सकता। मुझे याद आया कि यीशु ने किस तरह अपनी उंगलियों पर थूक लगाकर उस दूसरे व्यक्ति पर लगाया था। तो मैंने अपनी उंगली पर थूक लगाकर उसकी जीभ पर लगाई तो वो बोलने लगी। फिर
परमेश्वर की महिमा हो। इस तरह मैं बहुत से देशों में प्रचार करता हूँ। सुनने के धन्यवाद।